तो इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है। यहाँ पर हम लोग सुयांग को देखते हैं जो कि वो तीनों एल्डर से कह रहा होता है कि तुम लोग तो एकदम बेकार हो, तुम लोग के पास कोई भी तरह की ताकत नहीं है, तुम लोग अपने पीछे उस मास्टरमाइंड को ही अब बाहर ले आओ, इसकी वजह से मुझसे इतनी आसानी से फाइट कर रहे हो। लेकिन तभी जो उस तीनों एल्डर होते हैं उनके पीछे बाहर होता है, उस पर बहुत ज्यादा लाइटनिंग स्ट्राइक होने लगती है और उसके ऊपर बहुत ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन भी बन जाता है, जिसे देख कर वो तीनों एल्डर काफी ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन तभी वो जो एल्डर होता है वो कहने लगता है कि अब तुम्हारी मौत होने वाली है सुयांग, और तुम्हारे सेक्ट को भी हम लोग पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन तभी जो फॉर्मेशन होता है वो एक ही जगह पर रुक जाता है, जिसे देखकर वो तीनों एल्डर्स को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। लेकिन तभी जो पीछे जो पहाड़ होता है उसे तोड़ते हुए जो हेड एल्डर होता है वो बाहर आ जाता है। उसे देखकर वो तीनों एल्डर्स पास जाते हुए पूछने लगते हैं कि आखिर क्या बात है, तुमने अभी तक चूटियन सॉर्ड को समन नहीं किया है। इस पे की जो एल्डर होता है वो बताता है, मैं अभी चूटियन सॉर्ड को समन नहीं कर सकता हूं क्योंकि फॉर्मेशन तो रेडी है लेकिन एक स्टेप अभी भी बाकी है, जिसकी वजह से मैं उसे समन नहीं कर पा रहा हूं। जिस पे की वो तीनों एल्डर कहने लगते हैं कि जितनी जल्दी हो सके तुम्हें ये कर लेना चाहिए और तब तक के लिए हम लोग उसे रोकेंगे। लेकिन तभी जो वो एल्डर होता है वो तीनों पे ही एक फॉर्मेशन लगा देता है, जिसे देखकर वो तीनों एल्डर काफी ज्यादा परेशान जाते हैं और कहने लगते हैं कि आखिर तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, जबकि हम लोगों ने तो तुम्हारे साथ हजारों करोड़ों साल से इतनी ज्यादा कल्टीवेशन की ताकि हम तुम्हें चूटियन सॉर्ड को समन करने में मदद कर सके। और दूसरी तरफ जो लिंग होती है वो सुयांग से पूछ रही होती है कि क्या आपको लगता है कि ये इतना पावरफुल है और क्या इसके पास कोई हर्ट भी होगा, जिसपे की सुयांग कहता है कि इसके पास कोई भी दिल नहीं है। और तभी जो वो एल्डर होता है तीनों एल्डर्स सोल को उसके बॉडी से अलग करके उस फॉर्मेशन में डालने लगता है, जिससे कि वो तीनों एल्डर कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा पछताओगे जो तुमने हमारे साथ ऐसा किया है। लेकिन तभी वो तीनों एल्डर्स की सोल उस फॉर्मेशन में चली जाती है और ऐसा होते के साथ वो जो फॉर्मेशन होता है उसका कलर भी बहुत ज्यादा बदल जाता है और उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इलेक्ट्रिक एनर्जी भी निकलने लगती है, जिसे देखकर जो हेड एल्डर होता है वो भी अपने उसमें पावर डालता है, जिसके बाद उसके अंदर से जो चूटियन स्वॉर्ड बाहर आने लगती है, जिसे देखकर सुयांग का कुछ याद आता है। लेकिन तभी चूटियन स्वॉर्ड को अपने हाथ में लेते हुए कहता है कि सुयांग आज तुम्हारा आखिरी दिन होने वाला है, और वह ऐसा कहते के साथ स्वॉर्ड के काफ़ी ज़्यादा ब्लोन्स बना लेता है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं और सुयांग पर उससे अटैक भी कर देता है, और जिसकी वजह से वहाँ पर धुआं धुआं हो जाता है। जिसके बाद जो हेड एल्डर होता है वो हंसते हुए कहता है कि आज तक मेरी इस अटैक से कोई भी बच नहीं पाया है, तो आज तो सुयांग की मौत हो ही गई होगी। लेकिन तभी वह धुआं हटता है और हम लोग देखते हैं कि सुयांग ने बस अपने एक ही उंगली से उन सभी के सभी स्वॉर्ड्स को रोक लिया होता है, जिसे देखकर वो जो एल्डर होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन तभी जो सुयांग होता है उन सभी स्वॉर्ड्स की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसे देखकर जो हेड एल्डर होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और जल्दी से अपने स्वॉर्ड को अपने पास वापस बुला लेता है। और उसके बाद वो सुयांग से कहता है कि हो सकता है कि तुमने मेरे इस अटैक को रोक लिया हो लेकिन अगले अटैक को तुम नहीं रोक पाओगे, और वो ऐसा कहते के साथ एक बहुत पावरफुल लाइटनिंग बॉल बना लेता है, जिसके अंदर से फ्लेम की पावर और लाइटनिंग की पावर भी होती है, जिसे देखकर सुयांग कहता है कि लगता है अब मुझे थोड़ा सा सीरियस होना ही पड़ेगा। और ऐसा कहते के साथ सुयांग अपने पास से भी एक स्वॉर्ड निकाल लेता है जो कि देखने में काफी ज्यादा पावरफुल लग रही होती है, और जैसे ही वो निकालता है तभी वो एल्डर उस पर अटैक कर देता है। लेकिन सुयांग जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस पावरफुल ऑर्ब को बीच में से काट देता है और उस एल्डर के पास पहुंच जाता है। इसे देखकर जो एल्डर होता है वो भी अपने स्वॉर्ड से सुयांग पे डायरेक्ट अटैक करने आता है, लेकिन सुयांग भी अपने स्वॉर्ड से उसके पे अटैक कर देता है, जिसकी टकराने की वजह से वहां पे काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है। और हम देखते हैं कि जो हेड एल्डर की स्वॉर्ड होती है वो टूट गई होती है, जिसे देखकर जो हेड एल्डर होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम लोग मुझे कुछ मत करना, मुझे जाने दो। और तभी वो एल्डर नीचे गिर जाता है, जिसके बाद जो सुयांग होता है वो एल्डर के पास जाते हुए उस स्वॉर्ड के अंदर से उस ऑर्ब को ले लेता है, की वजह से वो स्वॉर्ड इतनी ज्यादा पावरफुल हो रही होती है, और लिंक को देते हुए कहता है कि ये तुम्हारे ही सोल का एक हिस्सा है इसलिए इसे संभाल के रखना, जिसपे की वो भी उसे मान के रख लेती है। जिसके बाद जो हेड एल्डर होता है उसके बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलने लगता है और साथ ही साथ आसपास में बिजली भी गिर रही होती है, जिसके बाद हमें हेड एल्डर की आवाज सुना देती है जो कह रहा होता है कि मानना पड़ेगा कि तुमने मुझे हरा दिया लेकिन अब तुम मुझे अब नहीं हरा पाओगे क्योंकि मेरी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। इसे देखकर सुयांग भी समझ जाता है कि ये एक डीमन कल्टीवेटर है। और जिसके बाद लिंक पूछती है कि आपको ये सब पहले ही से पता था जब मैंने आपसे वो सवाल पूछा था, जिसपे की सुयांग भी उस पे हाँ में जवाब देता है। जिसके बाद सुयांग अपने दोनों डिसाइबल्स को पीछे चले जाने के लिए कहता है क्योंकि अभी उन लोग के अटैक से काफी ज्यादा खतरनाक ऑरा भी रिलीज हो सकता था, जिससे कि वो दोनों वहां से चली जाती हैं। और तभी जो डीमन होता है वो अपने पावर की मदद से सुयांग के आसपास काफी ज्यादा डेमोनिक ऑरा फैला देता है, जिसकी वजह से बाहर से कोई भी आदमी उसका अंदर नहीं देख पा रहा होता है। और तभी वहां पर हम लोग एक बहुत पावरफुल बीस्ट को देखते हैं जो कि वही डीमन होता है, और वो कह रहा होता है सुयांग से
कि आज से तुम्हारी ये बॉडी अब मेरी हो जाएगी और इस पे पूरी तरीके से मेरा काबू होगा। साथ ही साथ इसकी वजह से मेरी ताकत हजारों गुना बढ़ जाएगी। और जिस पे कि सुयांग उसे पूछता है कि आखिर तुम हेवन से वापस से नीचे क्यों आ गए, जिस पे कि वो बोलता है कि वैसे भी तुम मरने वाले हो तो तुम जान के क्या करोगे। लेकिन वो फिर भी उसे बताता है कि हेवेंस में कुछ ना कुछ तबाही मच गई थी दो क्लैंस के फाइट होने की वजह से, जिसकी वजह से तुम्हारे एक ब्रदर ने भी हेवन जाने से मना कर दिया था। इसी वजह से मैं नहीं कर सकता हूँ। और वो ऐसा कहते के साथ सुयांग को अपनी पावर की मदद से एब्जॉर्ब कर लेता है और हंसने लगता है। लेकिन तभी सुयांग उसके दूसरे साइड अपीयर हो जाता है और कहता है, आखिर क्या लगता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से मार सकते हो। जिसके बाद जो वो बीस्ट होता है वो फिर से सुयांग को एब्जॉर्ब कर लेता है और आसपास देखने लगता है कि कहीं फिर से सुयांग वापस से समन तो नहीं हो गया। लेकिन तभी हम लोग सुयांग का बहुत बड़ा स्टैचू देखते हैं जो कि उस बीस्ट के सामने काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। और तभी सुयांग अपनी हाथ की मदद से उससे कहता है कि अब तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है। और ऐसा करते के साथ वो उसे मार देता है, जिसे देखकर जो लिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि आपने इसे आसानी से मार दिया। जिसके बाद सुयांग को उसके अंदर से एक बीड मिलता है जिसे वो डिस्ट्रॉय कर देता है। और ऐसा दिखाते के साथ हम लोग का ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।